आगे खतरे से खाली नहीं है जाना। तो कभी भी आप यहाँ आए तो दोस्तों दो चार लोगों के साथ ज़रूर आएँ। तो यहाँ पे ये मस्जिद के ऊपर, और अभी हम चलने वाले हैं दोबारा नीचे की तरफ। वहाँ देखेंगे तो मैंने बताया है कि ये एक वज़ू टैंक है, जो उस दौर में यहाँ पे वज़ू के लिए ख़ास किस्म का टैंक बनाया गया था। फ़िलहाल आप देख, और फ़िलहाल ये जो रास्ता है फ्रेंड्स काफ़ी सुनसान है और ख़तरनाक भी है। ऐसे हो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। सो दोस्तों आज लेकर आया हूँ दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन इलाके में, और दोस्तों एक काफ़ी खूबसूरत मस्जिद आज मैं एक्सप्लोर कराने वाला हूँ, जिसे मोर दाल वाली मस्जिद कहते हैं। दोस्तों इस मस्जिद को किस तरीके से एक दाल के दाने से बनाया गया और एक पक्षी यानी एक चिड़िया के द्वारा इस मस्जिद को बनाया गया, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, उसकी पूरी हिस्ट्री की नॉलेज दूँगा आपको। हाल दोस्तों बाहर से देख सकते हैं ये मस्जिद का ख़ास किस्म का ये गेट है, और ये काफ़ी सुंदर बना हुआ है। देखेंगे तो यहाँ पे पत्थरों को काट कर किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस पर, और यहाँ से देख सकते हैं इसका मेन एंट्री है, और यहाँ देख सकते हैं ये इधर कुछ देख सकते हैं लाल पत्थरों से इसे बनाया गया है, और एक जो डिज़ाइन है वो ख़ास किस्म की इसमें डिज़ाइन दी गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं कटिंग करके पत्थरों को बारीक बारीक करके इस पर डिज़ाइन दिया गया है। ये उस दौर का दरवाज़ा देख सकते हैं, गेट है, और यहाँ से इसकी एंट्री है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से इसका मेन दरवाज़ा है, जो काफ़ी खूबसूरत आपको देखने को मिलेगा, और अंदर एंट्री करने के साथ आप देख सकते हैं ये इस मस्जिद का पूरा नज़ारा है। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, और ये दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में अभी फ़िलहाल ये पूरा जो मस्जिद है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और यहाँ जो ये मस्जिद है अभी यहाँ पे नमाज वगैरह नहीं होती है, तो ये मस्जिद अभी थोड़ा वीरान पड़ा हुआ है। तो फाइनली आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार इसका यहाँ का नज़ारा है, और ये आप देखेंगे इस तरफ तो ये एक वज़ू खाना है, जो उस दौर में इसमें वज़ू किया करते थे। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा करीब से इस वज़ू खाने को दिखाऊँ आपको। तो ये ख़ास किस्म का एक वज़ू टैंक हुआ करता था उस दौर में, जो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। और ये इस मस्जिद का पूरा यहाँ पे नज़ारा है फ्रेंड्स। फ़िलहाल अभी हम इस मस्जिद के अंदर जाने वाले हैं, और आप फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहाँ पे उस दौर में ये एक ख़ास किस्म का दरवाज़ा है, जो शायद इस मस्जिद के ऊपर की तरफ जाता है। तो फाइनली ये पूरा व्यू है इस मस्जिद का, और ये देख सकते हैं दोस्तों ये एक मस्जिद, आपको एक मस्जिद मिलता जुलता दिखाई दे रहा होगा, या याद करें एक जमाली कमाली मस्जिद जो कि दिल्ली में है, उस मस्जिद की तरह आपको ये मस्जिद दिखाई पड़ता होगा। दोस्तों इस मस्जिद में देख सकते हैं यहाँ पे दो कब्रें देखने को आपको मिल सकती हैं, और साथ में देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये मस्जिद है। लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इस पर जो डिज़ाइन है वो किया गया है। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं इसमें जो आर्चेज है काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलेगा। दोस्तों इसमें देख सकते हैं ये ख़ास किस्म के जो डिज़ाइन है जो उस दौर में बनाया करते थे, तो ये देख सकते हैं ये इसका फ़िलहाल मेन गेट है, और यहाँ से इसकी एंट्री है। तो अब दोस्तों मुग़लों से पहले लोधी आए, जिसमें सिकंदर लोधी जो सुल्तान हुआ करते थे दिल्ली में, उस दौर में इस मस्जिद को 1505 में बनाया गया, और सन 1505 में दोस्तों इसकी जो स्टोरी है एक अनोखी ख़ास किस्म की स्टोरी है। जब बादशाह सुल्तान सिकंदर लोधी अपने वज़ीर यानी मिर्ज़ा मियाँ के साथ यहाँ पे टहलने के लिए आए थे इस पार्क में, तब उन्होंने देखा कि एक पक्षी जो है अपने मुंह में दाना लेकर उड़ रही है, और उड़ने के साथ वो जो दाना है उसके मुँह से छूट गया। छूटने के बाद जो सुल्तान सिकंदर लोधी थे उन्होंने उस दाने को हाथ में लिया, और वो ख़ास किस्म की एक मोठ दाल दाना था। उन्होंने हाथ में लेने के बाद उस दाने को अपने जो वज़ीर थे उन्हें दिया। वज़ीर को देने के बाद उन्होंने सोचा कि बादशाह ने ख़ास किस्म का एक तोहफ़ा दिया है, तो क्यों ना मैं इसे कहीं यूज़ करूं। तो उनके वज़ीर ने दोस्तों उस दाने को लेकर और एक जगह ज़मीन में दबा दिया। ज़मीन में दबाने के बाद कुछ दिन बाद उसमें जो है फसल निकल गई, और दोस्तों इतना फसल निकली कि उससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होने लगा। तब वो जो वज़ीर थे सुल्तान लोधी के पास गए, और लोधी से कहा कि सुल्तान हमारी ख्वाहिश है कि हम एक मस्जिद तामीर करें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप मस्जिद तामीर करिए, इसकी जो नींव है मैं रखूँगा,
तो सुल्तान अपने वजीर के साथ यहाँ आए और उन्होंने सन 1505 में इसकी नींव रखी और इस मस्जिद की तामीर गिराई, जिसका नाम मोट दाल वाला मस्जिद पड़ गया फ्रेंड्स। तो ये इसकी खास की स्टोरी है। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फाइनली आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर और काफ़ी खूबसूरत इस मस्जिद का नज़ारा है, और अभी फ़िलहाल यहाँ कोई नहीं है तो मैं सिर्फ़ यहाँ पे अकेले ही हूँ। हम चलने वाले हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं मस्जिद की खूबसूरती। माशाल्लाह ये मस्जिद जो है आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। और यहाँ पे ये इसके अंदर आ गए हम। अंदर आने के साथ आपको ये देखने को मिल सकता है उस ज़माने का मस्जिद, जो कि ये आप अंदर से देखेंगे कुछ इस तरीके का इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। ये है पूरी इस मस्जिद का नज़ारा। और यहाँ देखें तो ख़ास किस्म की इसमें डिज़ाइन जो है काट कर लगाई गई हैं चारों तरफ, देख सकते हैं। या आर्चेस पे देखें तो कितनी काफ़ी अच्छी इसमें डिज़ाइन की गई है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं फ़िलहाल इसका इधर जाने का दरवाज़ा है, और ये पूरा मस्जिद जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो देख सकते हैं ये मेम्बर है मस्जिद का, जहाँ पर इमाम साहब जो हैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ाया करते थे। काफ़ी खूबसूरत देखने को दिखाई देता है। और देख सकते हैं इस पर कुरान पाक के कुछ आयतें आज भी आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो है इमाम साहब जो है खुतबा दिया करते हैं। और ये अंदर से देख सकते हैं इसकी जो डिज़ाइन है ये काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलेगी। फ़िलहाल दोस्तों ये मस्जिद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप इसमें देखें तो ये कुछ रास्ते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे भी कुछ रास्ते दिए गए हैं, तो शायद मुझे यहाँ पे कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। तो अभी हम चलते हैं इधर की तरफ, और यहाँ देख सकते हैं ये एक रास्ता है जो शायद ऊपर की तरफ जाता है। और यहाँ देखें तो ये रास्ता है ये फ़िलहाल बंद कर दिया गया है, और ये देख सकते हैं बाहर से कुछ इस तरीके का है। तो ये रास्ता जो है बंद है, और हम आगे दोबारा मस्जिद के अंदर। और सामने से आप देखें तो ये मस्जिद की जो मीनारे हैं, जो गुंबद हैं, इसमें ख़ास किस्म का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। और ये जो मस्जिद है 15वीं शताब्दी का मस्जिद है, तो इसमें ख़ास किस्म की आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा उस समय का। ये पूरा का पूरा दोस्तों जो है काफ़ी शानदार आपको देखने को मिल सकता है। ये एक उस मस्जिद का पूरा नज़ारा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं दोस्तों ये है इस मस्जिद का पूरा नज़ारा। यहाँ देखेंगे तो मैंने बताया है कि ये एक वज़ू टैंक है, जो उस दौर में यहाँ पे वज़ू के लिए ख़ास किस्म का टैंक बनाया गया था। फ़िलहाल आप देखेंगे इस तरफ तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पक्षी हैं उनके लिए कुछ यहाँ पर दाने रखे हुए हैं, और ये उनके लिए पानी है। और देख सकते हैं जो पक्षियाँ यहाँ पर कबूतर हैं आपको दिखाई देंगे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और साथ में ये जो मस्जिद है इसका पूरा व्यू मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूँ। फ़िलहाल ये मस्जिद देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत आज भी है, जिसे 1505 यानी 15वीं शताब्दी में बनाया गया सिकंदर लोदी द्वारा। दोस्तों लोदी वंश जो है वो ग़ुलाम वंश के बाद लोदी वंश आए, और उनकी जो शुरुआत थी सन 14वीं शताब्दी यानी 14वीं शताब्दी में लोदी वंश आया, और ये काफ़ी टाइम तक रहे। इसके बाद जो है मुग़ल वंश आया, जो 1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, तब उस समय बाबर ने उसमें फ़तह किया। फ़तह करने के बाद उन्हें इस सल्तनत मिल गया। और यहाँ देख सकते हैं ये मस्जिद अभी फ़िलहाल वीरान पड़ा है, तो यहाँ पे नमाज़ वगैरह नहीं होती है। और काफ़ी सुंदर और काफ़ी खूबसूरत मस्जिद आपको देखने को मिल सकता है। तो आप दीवारों पर देखेंगे कितने भारी भारी यानी मोटी मोटी पत्थरों से इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और आर्चेस पे डिज़ाइन देखेंगे तो इतनी खूबसूरत डिज़ाइन है। सामने देख सकते हैं ख़ास किस्म का गोल टाइप का एक डिज़ाइन मिलेगा, और यहाँ पे पिलर्स के बीच में आपको कुछ ख़ास किस्म की डिज़ाइन देखने को मिल सकती है। फ़िलहाल इस मस्जिद में अभी कोई नहीं है, तो आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। और अभी दोस्तों हम चलेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ देखेंगे ये ख़ास किस्म का एक दरवाज़ा दिया गया है, और अभी हम कोशिश करेंगे ऊपर जाने के लिए। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको ये मस्जिद जो है एक्सप्लोर कराते हैं। तो यहाँ से ये देख सकते हैं ख़ास किस्म का ये सीढ़ी बनी हुई है, और
अभी हम ऊपर की तरफ चलते हैं। और फिलहाल ये जो रास्ता है फ्रेंड्स, काफ़ी सुनसान है और ख़तरनाक भी है। यहाँ देखेंगे तो ये रास्ता यहाँ निकलता है बाहर की तरफ, और ये जो रास्ता है, एक रास्ता इधर दोस्तों देखने को मिलेगा, और ये रास्ता जो है ये मस्जिद के ऊपर की तरफ जाता है। तो ये चलते हैं ऊपर की तरफ। अभी फ़िलहाल ये सुनसान है और काफ़ी डर भी लग रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये मस्जिद है और ये पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो नशे ज़्यादा करते हैं लोग, वो यहाँ पे आते हैं। तो अभी आगे खतरे से खाली नहीं है जाना। तो कभी भी आप यहाँ आए तो दोस्तों दो चार लोगों के साथ ज़रूर आएँ। तो यहाँ पे ये मस्जिद के ऊपर, और अभी हम चलने वाले हैं दोबारा नीचे की तरफ। तो ये है वापस नीचे जाने का रास्ता। गार्ड्स वगैरह अवेलेबल नहीं है ना। तो इस मस्जिद में आपको ये ख़ास किस्म की, आप देख सकते हैं, गुंबद और मीनार देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके का दोस्तों चारों साइड पे इस मस्जिद में लगाया गया है। और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा मस्जिद का नज़ारा है। गाइस, ये जो मस्जिद है, अभी यहाँ पे कोई गार्ड्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो मस्जिद है ये खुला ही रहता है, और यहाँ पे एक घर है, मकान है, वहाँ से एक आंटी जो है वो आती है और ये मस्जिद का जो दरवाज़ा है खोल के चली जाती हैं, और शाम को दोबारा वो बंद कर देती हैं। तो काफ़ी अच्छा ये मस्जिद है, आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं, आ सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर से एक नए ब्लॉग में नए जर्नी के साथ। ओके फ्रेंड्स, टाटा।